A very good morning, my dear students. My name is Devendra Kumar Tiwari. I teach in St. Xavier High School, Kichocha, Ambedkar Nagar. My dear student, today I will teach you class 2nd English Literature, Chapter 9, Kalidas. So that let us start to study this chapter, Kalidas. Kalidas was the court poet of King Vikramaditya of Ujjain. He wrote many plays and poems in Sanskrit. Kalidas was the court poet. Court means darbari poet means kavi of King Vikramaditya of Ujjain. Ujjain ke Raja Vikramaditya ke court darbari court poet the kaun? Kalidas. Kalidas jo the Ujjain ke Raja Vikramaditya ke darbari kavi the. He wrote many plays and poems in Sanskrit. He means वह wrote लिखे many plays बहुत से नाटकों को and poems कविताओं को in Sanskrit संस्कृत भाषा में यानी कि कालिदास ने संस्कृत भाषा में बहुत से नाटकों को और कविताओं को लिखे. There is a beautiful story of how Kalidas got his name. It also tells us how he became a great poet. He could not go to school because he was very poor. He had to tend his father's sheep. There is a beautiful story. यहाँ एक सुंदर कहानी है कि कैसे कालिदास ने अपने नाम को प्राप्त किया, यानी कि कालिदास नाम को कैसे प्राप्त किए, इसकी एक बहुत सुंदर ही कहानी है. It also tells us, यह हमें बताती है how कैसे he became a great poet, वह कैसे एक महान कवि बने, इस चीज़ को एक कहानी हमें बताती है. He could not go to school because he was very poor. He could not go to school, वह स्कूल नहीं जा सके क्योंकि he was very poor, वह बहुत गरीब थे. He had to tend his father's sheep. He means वह had to tend means होता है take care, देखभाल करना, हिज फादर्स अपने पिता के सीप मीन्स भेड़ों की, वह अपने पिता के भेड़ों की देखभाल करते थे. इन अ नियर बाई सिटी लिव्ड अ किंग हु हैड अ ब्यूटिफुल एंड इंटेलिजेंट डॉटर. हर नेम वॉज विद्यावती. सी सेड हु यूर कैन आंसर माई क्वेश्चन विल बी माई हस्बैंड. इन अ नियर बाई सिटी नज़दीक शहर में के जो राजा थे उनके पास एक सुंदर और बुद्धिमान लड़की थी. हर नेम वॉज विद्यावती, जिसका नाम विद्यावती था. सी सेड उसने कहा मीन्स विद्यावती ने कहा हु यूर जो कोई कैन सकना आंसर उत्तर देना माई क्वेश्चंस मेरे प्रश्नों का विल बी माई हस्बैंड मेरा पति होगा. विद्यावती ने कहा कि जो मेरे प्रश्नों का उत्तर दे सकेगा वही मेरा पति बनेगा. मैनी किंग्स वॉरियर्स एंड लर्न मैन ट्राई टू आंसर हर क्वेश्चंस बट दे कुडेंट. दे हैड टू गो अवे डिसअपॉइंटेड. सी लव्ड एट देम. दे वर वेरी एंग्री विथ हर. दे वांटेड टू टीच हर अ लेसन. मैनी किंग्स बहुत से राजा वॉरियर्स योद्धा एंड लर्न मैन विद्वान लोग ट्राइड टू आंसर उत्तर देने का प्रयास किए हर क्वेश्चंस उसके प्रश्नों का बट लेकिन दे कुड नॉट लेकिन वे सफल नहीं हुए. बहुत से राजा योद्धा विद्वान लोग उसके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किए बट दे कुड नॉट लेकिन वे उसके प्रश्न का उत्तर देने में सफल नहीं हुए. दे हैड टू गो अवे डिसअपॉइंटेड. दे मीन्स वे मीन्स कौन? राजा योद्धा और विद्वान लोग हैड टू गो अवे चले गए डिसअपॉइंटेड. डिसअपॉइंटेड मीन्स होता है सैड उदास दुखी हो करके वो लोग वापस चले गए. सी लव्ड एट देम. सी मीन्स विद्यावती लव्ड हंसी एट देम. विद्यावती उन पर हंसी. दे वर वेरी एंग्री विथ हर. दे मीन्स वे वर थे वेरी बहुत एंग्री मीन्स क्रोधित होना विथ हर उससे. वे लोग उससे बहुत क्रोधित हुए यानी कि
जो राजा महाराजा लोग विद्वान लोग हार गए थे, तो वो लोग विद्यावती पर बहुत क्रोधित हुए जब वह उन पर हंसी। दे वॉन्टेड टू टीच हर अ लेसन, दे मीन्स वे वॉन्टेड, चाहते थे टू टीच, सिखाना हर उसे अ लेसन, एक पाठ। वे उसे मीन्स विद्यावती को एक सीख देना चाहते थे। वन डे सम डिसअपॉइंटेड लर्न मैन सा अ यंग शेफर्ड सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री, ही वॉज कटिंग इट। दे थॉट हाउ फुलिश दिस यंग मैन, हाउ फुलिश दिस शेफर्ड इज, ही इज कटिंग द ब्रांच ऑन विच ही इज सिटिंग, सून ही विल फॉल डाउन। वन डे एक दिन सम डिसअपॉइंटेड लर्न, एक दिन कुछ दुखी विद्वान लोग, सा देखे आ यंग, एक यंग शेफर्ड मीन्स गरेड़िए को जो सिटिंग ऑन बैठा हुआ था द ब्रांच ऑफ ए ट्री, पेड़ की शाखा पर बैठे हुए एक गरेड़िए को वो दुखी जो विद्वान लोग थे देखे। ही वाज कटिंग इट, ही मीन्स वा मीन्स जो शेफर्ड था वाज कटिंग, काट रहा था इट इसे मीन्स द ब्रांच को, वह शाखा को काट रहा था। दे थाट, वे सोचे, लर्न पर्सन थाट, विद्वान लोगों ने सोचा, हाउ फुलिश दिस यंग शेफर्ड इज, कितना, हाउ फुलिश मीन्स कितना, दिस मीन्स यह यंग शेफर्ड इज, यह जो गरेड़िया है वो कितना बेवकूफ है, हाउ फुलिश कितना मूर्ख है, दिस यंग शेफर्ड इज, यह जो यंग शेफर्ड है गरेड़िया वो कितना मूर्ख है। ही इज कटिंग द ब्रांच, ही इज कटिंग, वह काट रहा है द ब्रांच शाखा को, ऑन विच जिस पर ही इज सिटिंग, जिस पर वह बैठा उसी शाखा को काट रहा है। सून ही विल फॉल डाउन, सून मीन्स क्विकली शीघ्र, ही विल फॉल डाउन, वह नीचे गिर पड़ेगा, फॉल डाउन मीन्स होता है नीचे गिर पड़ना, वह शीघ्र ही नीचे गिर पड़ेगा। सडनली दे हैड एन आइडिया, अचानक उन लोगों के दिमाग में एक विचार आया। सडनली अचानक दे हैड एन आइडिया, उनके पास विचार आया। दे मेड अ प्लान, उन्होंने एक योजना बनाई। दे आस्क्ड हिम टू गो विद देम टू द सिटी, दे मीन्स उन लोगों ने आस्क्ड हिम कालिदास से कहा टू गो जाने के लिए, विद देम उनके साथ, टू द सिटी शहर जाने के लिए, कालिदास से उन लोगों ने कहा। ही एग्री टू डू सो, ही मीन्स कालिदास, एग्रीड सहमत हो गए, टू डू सो ऐसा करने के लिए कालिदास सहमत हो गए। देयर दे गेव हिम टेस्टी फूड टू ईट एंड डिलीशियस बटर मिल्क टू ड्रिंक, देयर वहाँ पर दे मीन्स वे उन लोगों ने यानी विद्वान लोगों ने, गेव मीन्स दिया, हिम मीन्स कालिदास को, टेस्टी मीन्स स्वादिष्ट, फूड मीन्स भोजन को, टू ईट मीन्स खाने के लिए। देयर दे गेव हिम टेस्टी फूड टू ईट, वहाँ पर उन लोगों ने कालिदास को खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन दिए, एंड डिलीशियस बटर मिल्क टू ड्रिंक, और पीने के लिए स्वादिष्ट बटर मिल्क दिए। देन ही स्लेप्ट ऑन सॉफ्ट बेड, देन मीन्स तब, ही मीन्स वह, स्लेप्ट मीन्स सोना, ऑन ए सॉफ्ट बेड, और तब उन कालिदास जो थे सोने के लिए एक सॉफ्ट बेड पर, यानी कि वे एक सॉफ्ट कोमल बेड पर भी सोए। व्हेन ही गॉट अप, जब वो उठते हैं, व्हेन मीन्स जब, ही मीन्स कालिदास, गॉट अप जब वह उठे, तो दे बाथड हिम, दे मीन्स उन लोगों ने, यानी कि दे मीन्स उन लोगों ने मीन्स उन विद्वानों ने बाथड हिम, उनको नहलाया। रब्ड ऑयल इनटू हिज स्किन, उनकी त्वचा में तेल को रगड़ा, यानी कि उनकी त्वचा में तेल लगाया। एंड स्प्रिंकल्ड परफ्यूम ऑन हिम, एंड मीन्स, और स्प्रिंकल मीन्स होता छिड़कना, परफ्यूम मीन्स इत्र को, ऑन हिम उनके ऊपर, और उनके ऊपर इत्र को भी छिड़के, उनको नहलवाए। रब्ड ऑयल इनटू हिज स्किन, उनकी त्वचा में तेल को लगाए, रगड़े, एंड देन स्प्रिंकल्ड परफ्यूम ऑन हिम, और तब जाके उनके ऊपर परफ्यूम इत्र को भी छिड़के। दे ड्रेस्ड हिम इन फाइन क्लॉथ, दे मीन्स वे ड्रेस्ड मीन्स पहनाए हिम उसे, इन फाइन क्लॉथ सुंदर कपड़े को, तब उनको सुंदर कपड़ों को पहनाया गया। एंड टाइड अ वाइट एंड गोल्ड टर्बन ऑन हिज हेड, एंड मीन्स और टाइड मीन्स बांध दिया गया, अ वाइट मीन्स सफ़ेद, एंड गोल्डन मीन्स गोल्ड मीन्स सुनहरे रंग का, टर्बन मीन्स पगड़ी, ऑन हिज हेड उनकी हेड पर, उनके सिर पर
दे ड्रेस्ड हिम इन फाइन क्लॉथ, उनको सुंदर कपड़े पहनाया गया, टाइड व्हाइट एंड गोल्ड टर्बन, और उनको एक सफ़ेद और सुनहरे कलर के टर्बन को उनके सिर पर रखा गया पहनाया गया। द पुअर इलिटरेट शेफर्ड नाउट लुक लाइक अ ग्रेट स्कॉलर। द पुअर मीन्स बेचारा, वह बेचारा इलिटरेट मीन्स अशिक्षित, शेफर्ड मीन्स गरेडिया, नाउ मीन्स अब लुक्ड दिख रहा था लाइक अ ग्रेट स्कॉलर। लाइक मीन्स मान, अ ग्रेट मीन्स महान, स्कॉलर मीन्स विद्वान। अब वह गरीब अशिक्षित गरेडिया जो था वह एक महान विद्वान की तरह दिखाई पड़ रहा था। सो दैट इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस हाफ स्टोरी। द रिमेनिंग स्टोरी विल बी एक्सप्लेन इन नेक्स्ट वीडियो। सो दैट थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।